सो गाइज, हमने कल जो दो एपिसोड डाले थे उनमें भाई आप सबने कमेंटों की भाई बाढ़ ला दी बाढ़। भाई साहब, क्या क्या चीज़ें नोटिस हैं कि आप सबने हैं इन दोनों के इशारे, हमारी कॉमेडी थोड़ी सी, है ना, हमारे मतलब अलग अलग चीज़ें नोटिस किया। भाई मैं इतना खुश हो रहा था, बाप रे, इतने सारे कमेंट, इतने सारे कमेंट, बहुत और सबने भाई लाइक जो जो आपको नंबर पसंद आ रहा है सीन, वो वाले सीन पे आपने नंबर नीचे डाल के कमेंट किया। भाई साहब, मज़ा आ गया देख के, मज़ा। भाई आज का एपिसोड तो एकदम खतरनाक होने वाला है, आपको पता ही होगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए एक और बेहतरीन पेशकश, बाय ड्रिल सरतरुल सीजन 3 एपिसोड नंबर 84। बहुत बेहतरीन एपिसोड होने वाला है ये वाला, क्योंकि हमारा कोपू जहरीला इंसान बन चुका है, एंड वो जहर देने वाला क्या हो गया, वो कुछ तो बन चुका है। थोड़ा ओवर हो गया था, सॉरी फॉर दैट। एंड भाई कल जब वो आया ना शीशे के सामने टकला होके, भाई साहब ऐसी हंसी निकली ना, कसम से। थोड़ा सा सीन देखो आप बस। पुराने जमाने का आशिक कॉलेज वाला। ओ कपूर ने राजो की चला गया। पोपो की पोपड़ी बजाई। वैसे आ न्यू क्या हो गया, इतनी खुश हो रही है, क्या हो गया, क्या देख लिया तूने, जिन देख लिया। आज नहीं ऊपर करेगा वो। इसका झोला भाई इसकी क्या लेते हैं ना भाई, कसम से भाई। कैसी हंसी निकली भाई, भाई हंस हंस के पागल, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं इतना गंदा हंसा, मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, मैं बोला यार कैसे हंस रहा हूँ मैं। बट आप सबने वही वही जो मैं हंस रहा था इतना गंदा, वही आपने वो नंबर ड्यूरेशन नीचे कमेंट में डाला। चलो कोई नहीं, फिर आगे से मैं ऐसे ही हंसा करूँगा, एकदम खुला हो गया नहीं क्या एकदम। और भाई कल बैठ रहे थे ना सारे के सारे बंदे, अपने भाई ने मस्त अपने सुल्तान भाई उसको दे रहे थे, भाई रोटी खा ले भाई तू। भाई इधर भाई ने रोटी का टुकड़ा लिया और डायरेक्ट ऐसे किया, ऐसे ठा, भाई उसके नीचे से अंगूठी खुली, भाई ने जानबूझ के खोल के रखे ठा करके, नीचे डायरेक्ट नीचे से पाउडर निकल गया भाई। ऐसा भाई उसकी ऐसे दिखा रहा था, इस अंगूठी में मैंने जहर रखा है और यह अंगूठी में मैंने हयात रखी है, इससे बंदा जिंदा होता है और इससे बंदा मरता है। टोपी भी निकाली थी उसने कल। हाँ टोपी भी निकाली थी। और देखने वाला है कि असलीहान, अभी तक तो उसने विश्वास नहीं किया कि असलीहान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, अभी भी सोच रहा है कि वो दुखी है, वो बाद में हाँ बोल, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो। कुछ भी। सो गाइज, आप सबसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। ये है हमारा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे आईडी भी दी हुई है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। भाई आज तो बड़ा डेंजर होने वाला है काम। ले लो, हो गया चालू काम। ये क्या नाटक कर रहा है,
पहली बार सुल्तान आए इधर खाने के लिए और ये देखो तो डायरेक्ट होगा अतुल भाई को समझ तो गया होगा कि ये कोप्पू की चाल है भाई। ये तो डायरेक्ट हो गया ना, मेरे को लगा थोड़ा सा कुछ नाटक वाटक होगा, थोड़ा कुछ करेंगे भाई, डायरेक्ट बोल रहा ना भाई, इसकी इतनी जरूरत। कोप्पू को बुला, उसकी दूसरी अंगूठी खुलवाओ जरा। ये तो सुल्तान के साथ लड़ जाएंगे ऐसे बंदे हैं ये, इनको क्या खौफ किसी का। अरे तू काबू में हो जा बे।
अरे चले तो जाओगे बट हमारे भाई को अकेला छोड़ के यार, और ये निठल्ले के हाथ में। कोई इज्जत ही नहीं है कसम से भाई, बहुत ही घुसट आदमी है, हंस रहे है बेशरम। बहुत बेशरम। बंसी कल्चर का भी है, उसका क्या? कल्चर के में आने वाले सरदारों को हम काई कबीले में बुलवाएंगे, वरना इस मुसीबत से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आखिर अर्तुरुल भाई एक दादे की जान क्यों लेना चाहेंगे? अर्तुरुल भाई कोई नहीं मानेगा इस बात को, मुझे यकीन है सरदारान हमारा ही साथ देंगे। हाँ वो समझ जाएंगे, हर शख्स समझ जाएगा, लेकिन अमीर सादुद्दीन कभी नहीं समझेगा। भाई ने तो उसके साथ भी कितना अच्छा सलूक किया है, लेकिन पता नहीं वो अमीर सादुद्दीन भाई से इतना बोझ क्यों रखता है। कभी अच्छाई भी बादल को बेनकाब कर देती है, अमीर सादुद्दीन भी बादल के पीछे है। आर्तुर भाई कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर है। और ये अबू मंसूर कहां से आ गया? कौन है ये आदमी? और अमीर सादुद्दीन उसके पीछे क्यों पागल हो रहा है? पता लगा लेंगे बंसी, सब पता लगा लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आर्तुर भाई जिंदान में कैद कर लिया बेवकूफों ने, हमारे भाई का हाली बाजार, हमारे भाई को वहीं पे कैद किया इसने। कोपड़ा कहाँ है? कोपड़े है देना के अभी दवाई कोपड़ा। शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे दर्द का दरमान आ गया। माशाल्लाह शुक्र है रब तेरा, माशाल्लाह। भाई Oh!
ये अपनी अंगूठी जोड़े थे, इसमें डालेगा थे। अरे आज नहीं किया इसने ऐसे है, कल जैसे। ले लो भाई, ये अभी खुश है क्या? क्या है ये? ये अभी हंस रहा है कि क्या चल रहा है इसका दिमाग में अभी? मुझे लग रहा है ये खुश है। शहर जाने दे अंदर, है ना, क्योंकि वो सुल्तान है एक तो। एकदम से निकाल लेते हैं तलवारें। ये चल रहा है, ये पीछे से भी आ गए ना भाई। वो तेरे उनके ऊपर। ओ भाई साहब क्या डेंजर लोग हैं। क्या खाएगा ये मुक्की मारा से मुंह से? या तो ये हजरत अंदर जाएंगे या फिर कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अरे तुम्हारे महल जैसा इनकी बॉडी नहीं है, इनकी बॉडी तुम्बे खा के धुम्बे धुम्बा। इसके सुल्तान का मार खाएगा भाई ये कसम से। बड़ा गुस्सा आ रहा है इसमें तो। भाई इसहाक भाई भी इधर। हाँ। इसहाक भाई भी क्या लड़ते रहा भाई एकदम छोटे से। निंजा है निंजा। थोड़ी चाकू से लड़ते
छोटे छोड़ेंगे नहीं भाई को अपने, ये निठल्ले लोगों को तो ऐसे उड़ा देंगे, धुम्बे वाले धुम्बा गाते हैं धुम्बा, इनके थोड़ी महल में रहते प्रॉब्लम्स में रहते हैं वो लोग, इसलिए ताकतवर है। ओहो सुल्तान बनेंगे या छोटे से खड़े तो देखें, पेट बाहर निकला है भाई का, बेल्ट नीचे जा रही है, खुरपी भी नीचे जा रही है। तुमसे मैंने कहा था ना कि कोई यहाँ नहीं आएगा। अमीर सादती, हजरत हमारे सुल्तान की शिपाहियाँ देखने तशरीफ लाए हैं। सुल्तान का जाती हकीम मौजूद है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ उनसे। अरबी अर्तुल का अरबी कमर में तुम मुझे धमकी दे रहे हो। हाँ धमकी दे रहे हैं। हाँ मैं अपनी जिंदगी सुल्तान के लिए वक्फ कर चुका हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करूंगा, जरूरत पड़ने पर सुल्तान के लिए जान भी कुर्बान है। अमीर सादती, अगर उनकी मौत का वक्त आ चुका है तो ना ही मुझ जैसा गुलाम और ना ही कोई और सुल्तान को मौत के पंजे से बचा सकता है। सही है, लेकिन तुम मुझे यहाँ रोक कर सुल्तान की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। बिल्कुल इसको सुल्तान बनना है ना निठल्ले को। भाई यार आई विश यार कुछ पंगे ना हो जाए कसम से। ऑलरेडी एक तो बाइजेंटिनी लोग और उधर से ये भाई खुद भी जा रहा अंदर, देखेगा ना जाके क्या कर रहे हैं हजरत इब्न अल अरबी साहब। कोपुक मार गएगा सच में। अब
खून की स्मेल से ही पता चल जाता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बट इधर सभी के सभी खौफ ज्यादा होंगे ना अगर इनको पता चलेगा अर्तुरुल भाई के बारे में। और इसको तो पता भी है इसके चच्चा है हलीमा सुल्तान को। काहे बताया बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये है कि माशाल्लाह अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो सल्तनत की बका खतरे में पड़ जाएगी। अर्दुक्सा कल हम तुर्क सरदारान के सामने ये मामला रखेंगे और सब मिलकर सराय जाएंगे। जिस किसी ने भी ये किया है या अर्तुरुल को फंसाने की कोशिश की है हिसाब देना होगा उसे। अर्तुक साहब और दुखदार कबीले में ही रहेंगे। अगर हमें या अर्तुरुल को कुछ हो जाता है तो कबीले में सरदार होना चाहिए। वालिदा दुखदार एक सरदार हो तुम। अर्तुरुल सरदार की गैर मौजूदगी में कबीला तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे भाई हर एक वक्त के लिए तैयार रहते हैं ना चाहे कुछ कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया चीज है।
सुल्तान मौजम ऐसे बोलते ना, ठीक हो जाएंगे यार, क्या टेंशन है, इब्न अरबी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाक पे सिर्फ लगा रहे हैं है ना, चलो कोपू पेट लेके बाहर निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, चलो पेट को संभालते चलता है वो, नीचे ऐसे हाथ रखता है पेट के, ऐसे चलता है, देखा आपने कभी उसको? ए कोपू भाई बड़ा कॉमेडी है कोपू हमारा, बड़ा क्यूट सा है, कभी गुस्सा भी आता है बट क्यूट है, चलो कोई नहीं चलता है। दवाई थोड़ी काम करती है, दुआ भी काम करती है भाई, दुआ दुआ से बढ़ के क्या है। या शाफी या अल्लाह ऐसे बोलते ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। दुश्मन बहुत है लेकिन दोस्त भी बहुत है उसके,
तुम परेशान ना हो बेटी। सही है वालिदा, असलियान हलीम असल असलियान खातून वालिदा, आखिर ये सब क्या होता है? इम्तिहान है मेरी बच्ची, इम्तिहान है ये। अर्तुरुल साहब अपने साथ काम करने वाले ताजिर को जहर क्यों देंगे? वो ताजिर नहीं है असलियान खातून, सुल्तान अलाउद्दीन है। कोपू नहीं गया है और तो किसी इनको पता चलेगा तो इसको तो समझ ही जाएगा किसने किया है। ये देखो ये बस ड्राई ना हो, शीशे में देख के नहीं कह कतरीना। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। बताओ। तुमने मुझे वो मौका दिया जिसका मैं मुंतजर था, अपने सारे दुश्मनों से छुटकारा पाने का मौका। कल वो सब खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे की पैदाइश से पहले उसके पापा का इंतकाम ले लिया जाएगा। कभी भी कल हमला करने वाला है। चिढ़ाने के लिए अभी उसी तरह बचा ली।
इंशाल्लाह जरूर। तुम्हारी आंखों में गुस्सा नजर आता है मेरे लिए मिट सादत है। सुल्तान को जहर मैंने नहीं दिया, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। ये रंजिश उस वक्त पैदा हुई जब सुल्तान ने मुझे अपने सरदार आला के तौर पर नामजद किया तुम्हारे सामने। तुम जैसे सरदार आला से मुझ जैसे सरचूक के अमीर को आखिर क्या रंजिश हो सकती है? हाँ, और मैं तुमसे अदावत क्यों रखूंगा? अपने अतराफ में हर एक को जहर दे रहे हो तुम, यही सच है ना? सिर्फ सुल्तान को ही जहर नहीं दिया तुमने। किसके बारे में बात कर रहे हो? तुमने जहर भर दिया है असलियान के अंदर। अरे भाई करजे कोपो आईना देख ले आईना। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिली सेतरुल सीजन 3 एपिसोड नंबर 84। बहुत बेहतरीन था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये। अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाला है क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। अभी कभी बैठ जाएंगे और उसको अभी देखेंगे, फिर उसके बाद दो के दो ही एपिसोड आपको आज शाम में मिल जाएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले।